हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेट गैलरी 11 में। दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने 3 साल बाद टीम इंडिया में वापसी की है। भारतीय टीम में वापसी करने के बाद दिनेश कार्तिक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है और भारतीय टीम में एक फिनिशर की भूमिका भी निभा रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कई मैच भी जिताए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, दिनेश कार्तिक एशिया कप में भारत के लिए एक फिनिशर की तौर की भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए उनको एकादश में शामिल करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती भारतीय टीम के लिए होगी। दिनेश कार्तिक ने अपनी तूफानी पारियों से सिलेक्टर्स का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। अब बात करें दिनेश कार्तिक की पर्सनल लाइफ की, तो भारत की पत्नी दीपिका पल्लिकल की बात करें तो उन्होंने स्वच्छ में टीम इंडिया की तरफ से भारत की तरफ से उनका नाम भी रोशन किया है। दीपिका पल्लिकल ने कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय की ओर से खेलते हुए एक ब्रॉन्ज मेडल भी दिलाया है। कार्तिक के लिए ये सम्मान बहुत ही बड़ा माना जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, दीपिका पल्लिकल कार्तिक की दूसरी पत्नी है। कार्तिक की पहली बीवी का नाम निकिता वंजारा है, लेकिन ये शादी सिर्फ 5 साल तक ही चली थी। दोस्तों, आपको बता दें, कार्तिक की पहली पत्नी का मूल्य विजय के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए उन्होंने धोखा दिया था दिनेश कार्तिक को और मुरली विजय और निकिता वंजारा ने शादी कर ली थी। ये बात कार्तिक को पता चलते ही कार्तिक ने उससे तलाक ले लिया था। अब मुरली विजय ने, जब से दीपिका ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो मुरली विजय ने अपने दिल की बात उसके साथ शेयर की है। उन्होंने कहा कि मुरली विजय ने कार्तिक को कहा, वे किस्मत वाले हैं कि उनको ऐसी पत्नी मिली है। मुझे दोस्त के तौर पर कार्तिक को धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन नितिका ने मुझे मजबूर किया था। मुरली विजय ने आगे कहा कि दीपिका ही मेरी असली पसंद है। तो दोस्तों, आगे ये देखना होगा कि कार्तिक का इस पर क्या बयान आता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।